हम एक्चुअली यहाँ से फर्स्ट जैन से बैठे हैं। हमें गवर्नमेंट ने इससे पहले जब एलजी सर आए थे यहाँ पे, इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया था, एलजी सर यहाँ पे आए थे उस टाइम तो हमें अच्छे से आश्वासन दिया था कि नेक्स्ट टाइम आप लोग के बारे में सोचा जाएगा एंड हमें इस तरह दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन आप ये देख ही रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ, जबकि हम लोग नहीं चाहते, हम खुद नहीं चाहते ये सब, वी आर नॉट सेटिस्फाइड ऑन दिस और हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग इतना ही चाहते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, जबकि हम लोगों ने उस क्रूशियल टाइम में काम किया था जिस टाइम कोई अपनी फैमिली मेंबर के पास नहीं बैठता था। हम वही लोग हैं जो उनके इन फैमिली मेंबर्स को ट्रीटमेंट दे रहे थे एंड उनके पास जाते थे। अब ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट प्लेइंग विद अस लाइक यूज एंड थ्रो पॉलिसी विच वी आर नॉट एक्सेप्टिंग विच इज टोटली अनटॉलरेबल। ऑन ड्यूटी हमें बोला गया 12 बजे आके, हमारे हायर अथॉरिटीज़ ने बोला हम लोगों को कि आप लोगों को कौन पे देगा, आप लोग किस बेस पे यहाँ पे आए हो आज फिर से अपनी जॉब कंटिन्यू करने। हम इसलिए बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे सारे बच्चे, हमारा 1600 यूथ है जो हम कहते हैं कोरोना वॉरियर्स हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं कि हमें कहते हैं इंसाफ चाहिए, हमें कंटिन्यूशन चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि हम जो NO हैं यहाँ पे, नर्सिंग ऑर्डरली हैं हम, मैंस पावर, हम यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं। जब कोरोना बहुत ज़्यादा था, घरों से लोग बाहर नहीं निकलते थे, अपनी फैमिली को, हमें अपनी फैमिली वाले भी हमें घर नहीं आने देते थे, हम 3-4 महीने अपने घर नहीं जाते थे, तो हम काम करते थे यहाँ पे। और आज हमें मतलब यहाँ से बिना नोटिस दिए हुए निकाला गया है और हम चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूशन मिले।